क्योंकि जो भी अपनी बेटी तुमको देगी देखेगा कि ये कमा रहा है कुछ पैसे आ रहे हैं, समझ गए क्या? यस सर। तो पैसा का मत समझ गए तुम? यस सर। ये सबसे बुनियादी आवश्यकता है। और पैसा कैसे आता है? सर्विस दोगे तो पैसा मिलेगा। क्या करोगे? सर्विस देना पड़ेगा। सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी। अगर आप सर्विस दोगे तभी पैसे मिलेंगे। आप सिक्योरिटी गार्ड सर्विस कर रहे हो, मैं गुरु जी का सर्विस कर रहा हूँ, मैं एक योगा टीचर का सर्विस कर रहा हूँ, मैं तरह तरह का सर्विस कर रहा हूँ, इसलिए हमको कुछ पैसे नहीं मिला। तो आपको सेवा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हमको मोटिवेट होना पड़ेगा, हमको उत्साहित होना पड़ेगा, हमको रुचि दिखाना पड़ेगा, हमको मन से काम करना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम मन से करना पड़ेगा तो भरा रहेगा। नहीं समझे? यस सर। दया जी में जाना काम करे कौन कौन रखे, समझ गए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। पैसे हैं तभी तुम सिक्योर रहोगे। आपको टैक्स भरना पड़ेगा घर है तो, आपको बिजली का भी पैसा चुकाना पड़ेगा, आपके कार मोटर बाइक उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। देख रहे हो पैसे हर जगह आते हैं। यस सर। है ना भाई? यस सर। क्या कार मोटर बाइक तुम रोड टैक्स नहीं भरोगे? क्या उसका रिन्यूअल नहीं कराओगे? उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे? पैसे के बिना तो कुछ होगा। इसमें सोशल नीड्स, सोशल नीड्स का मतलब है तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे परिवार होंगे, तुम्हारे समाज होंगे, तुम्हारा दोस्ती को नहीं होगा। पैसे नहीं है तो कोई पूछेगा क्या? नहीं सर। तुम्हारी पैसे आते हैं। इसके बाद सोशल स्टीम, स्टीम बेसिक नीड्स। स्टीम का मतलब है तुम्हारे पास गाड़ी बंगला कार है तो बहुत ही से तुम समझ रहे हो क्या? यस सर। ये चार है जो बेसिक बुनियादी आवश्यकता है मनुष्य का, जिसकी पूर्ति के लिए पैसे चाहिए, तभी प्रेम होगा। नहीं समझे क्या? यस सर। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा, खुद भी इज्जत खुद नहीं करोगे, नींद भी नहीं आएगी रात में, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, समझ गया क्या? और प्यार क्या है भाई? प्यार तो जीने की कला है ना। यस सर। प्यार अगर नहीं है तो पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है क्या? यस सर। दुश्मनी हो, ईर्ष्या हो, लड़ाई झगड़ा हो, काम क्रोध मतलब पैसा, नफरत नाराजगी हो तो क्या फायदा है पैसे से, क्या समझे? यस सर। बहुत लोग हैं बहुत बहुत पैसे रहते हैं लेकिन चोरी डाका मार पीट लूट लाट में मारा जाता है, समझ आ रहा है क्या? यस सर। यूपी से कोई आया है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, इधर है, इधर है। देखो हमारे यूपी का लड़का है, योगी जी का शिष्य, आओ दौड़ो। अरे दौड़ भाई, स्पीड चाहिए मुझे भाई। ताली मारिए इनके। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल जी मैं आपको हाथ जोड़ू, हाथ जोड़ू, आपको हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता हूँ, आज जो के नमस्ते बोलता हूँ कि आप काशी नगरी से आए हैं जो कि महादेव का त्रिशूल पर टिका हुआ है और जिस राज्य के शासक है हमारे योगी आदित्यनाथ, एक धर्मात्मा, एक महात्मा, एक जनसेवक, एक राम के अवतार, जो दुराचारी रावण जैसे लोगों का विनाश करें, करें कोई माफिया है सबको उड़ा दें, मिट्टी मिला दें, मिला रहे ना, मारा गया जितना भी था अजीब हमारा हो, जितने भी गुंडा बदमाश हो, अरे माँ बहनों को मार देते, रेप कर देते, मर्डर कर देते, कंपनी लगाने नहीं देते वहाँ, समझ लो क्या? यस सर। इसीलिए देखो पवित्र विचार वाले योगी हैं तो नौकरी मिलेगा, क्योंकि जो बोझ है ना चोर जादू बदमाश का बहुत खड़ा भर गया है, उसको कंक्रीट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं समझे? कोई खड़ा हो जिसमें मजबूत भरा हो, काम क्रोध बल लोभ हो, जातिवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद ये सब बड़ा हो, उसको दूर करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे मेरा तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब क्षेत्र है, केवल प्रेम ही प्रेम, सारे वसुदेव मेरे परिवार है, सारे लोगों के लिए सोचता हूँ, सब उससे प्यार करता हूँ, तो टाइम लगेगा। अब ये अनिल जी अनिल है ना, अब अनिल भी किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं मुझे मालूम नहीं, अब इनके दिमाग में भी जो विचार भर दिया हुआ वही होगा इनको, इनको भी चाहिए कि हमारे विचार के हो जाए। जो अच्छा इंसान है उसको अच्छा बोलो, बोलो। यस सर। जो बुरा है उसको बुरा बोलो। यस सर। जाति न पूछो साधु का, बोलो। पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मान करो तलवार का, मान करो तलवार का, बड़ी रहो तो मान, बड़ी रहो तो ज्ञान। तलवार आता नहीं भाई। यस सर। तलवार तो पूरा नहीं रहता है, काटते रहो। इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं उसका गुण देखते हैं। इस बच्चे का धर्म पूछा क्या? जी नहीं सर। जाति पूछा क्या? जी नहीं। मजहब पूछा क्या? जी नहीं। क्योंकि हमारे विभिन्न राज्य के लोग इसलिए पूछा कि यूप के कौन हो, छत्तीसगढ़ कौन हो, मध्य प्रदेश कौन हो, बिहार के कौन हो, बंगाल के कौन हो। कल बंगाल की हमारी दर्जनों बेटियां थी, उनको भी ट्रेनिंग दिया। देखो कॉलेज, देखो
यस हमारे फ्यूचर में हमारे यहाँ तो सभी बच्चे आते हैं, सभी हमारे बच्चे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमको अच्छे लोगों से सीखना चाहिए, उनके बच्चे लोग